जादवपुर पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जैसे कि आपको बताया था, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा जेपी नड्डा का रहने वाला है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सतीश पूनिया समेत तमाम आला अधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे इस दौरे के दौरान। सवाई माधोपुर पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो जल सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया उनके साथ मौजूद रहेंगे। तमाम आला अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। विजय यात्रा के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव को भी जोड़कर इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट मिल रही है। सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो नड्डा के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है पार्टी के नेताओं की तरफ से। तो आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर नड्डा के इस दौरे को देखा जा रहा है और बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। और बड़ी अपडेट ये है कि सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संबोधन में क्या कुछ बातें रहेंगी नड्डा की तरफ से, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ चुके हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर। नड्डा को माला पहनाकर यहां पर स्वागत किया जा रहा है, हाथ जोड़कर यहां पर अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं सबका जेपी नड्डा। और मेरे सहयोगी हिमांशु इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, मैं आपके पास आ रही हूँ। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है अब? देखिए, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं सवाई माधोपुर और पहुंचने के साथ ही भव्य जो स्वागत है वो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया गया है। खुद जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो, सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया, तमाम जनप्रतिनिधियां, उन्होंने जो भव्य स्वागत है वो किया है। जो बड़ी माला थी फूलों से सजी हुई, खास हार के जरिए जो श्रृंगार है वो जो कह सकते हैं कि माला से स्वागत यहाँ पर किया गया है। और आपको बता दें कि फिलहाल रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही अलग अलग जो स्वागत है उनका दौर भी यहाँ पर शुरू होगा। अलग अलग जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो स्वागत रखा गया है, आपको बता दें कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा भी रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ में, बड़ी तादाद में समर्थकों के साथ में पहुंचे हैं और तमाम जनप्रतिनिधि उनके साथ में मौजूद हैं। और फिलहाल यही तस्वीर देखने को मिल रही है, भव्य स्वागत का जो सिलसिला है वो फिलहाल चल रहा है। आपको बता दें कि 7 से 8 जगह पर ये जो स्वागत है वो होने वाला है। आपको बता दें कि इन सब के बाद में रणथंभौर रोड पर एक रिसोर्ट है, वहां जेपी नड्डा पहुंचेंगे, जहां पर जो अनुसूचित जाति जो बीजेपी का है उसका सम्मेलन है, उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जिसके बाद भरतपुर संभाग के जो तमाम जिले हैं उनके कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं से मुखातिब होने वाले हैं जेपी नड्डा, उन्हें संबोधित करने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि आने वाले साल में, साल 2023 में विधानसभा चुनाव है और राजस्थान में चुनावी साल अगला रहने वाला है, और इसको लेकर के भी ये जो दौरा है वो रहने वाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान में ये आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा अपने आप में कई मायनों में खास है। खास होने के साथ में पार्टी के स्तर पर जो मजबूती है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगी, और इस दौरे के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा के का एक पारिवारिक कार्यक्रम है, उसमें भी नड्डा शामिल होने वाले हैं। लेकिन इन सबके साथ में जिस तरह से जो रेलवे स्टेशन से ही बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की, बीजेपी के बड़े नेताओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उस तस्वीर के भी कई जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। और
निश्चित तौर पर जिन भी बीजेपी के बड़े नेताओं से हमारी बात हुई है, उन सबका कहना है कि बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाला साल चुनावी साल है, और उस लिहाज से ये बीजेपी की तैयारियां हैं जो शुरू हो रही हैं। और ऐसे में सवाई माधोपुर में ये जो दौरा जेपी नड्डा का जो आज पूरे दिन रहने वाला है, पूरे दिन कई कार्यक्रम होने वाले हैं। हिमांशु, में से इस तरीके से मैं देख सकता है, जैसे कि आपने बताया एससी एसटी सम्मेलन भी रहने वाला है, तो एससी एसटी को भी साधने का कार्यक्रम है पूरा, कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता जो हैं अभी से ही बेहतर काम करें जमीन पर ग्राउंड पर, ताकि अधिक से अधिक फायदा हो पार्टी का चुनाव में। क्या इसको ये भी मानकर चला जा सकता है कि इसलिए जो है कार्यक्रम रखा गया, सम्मेलन रखा गया है एससी एसटी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हर वर्ग को साधने की कोशिश है जेपी नड्डा के दौरे के साथ में, और सवाई माधोपुर में एससी एसटी का सम्मेलन, क्योंकि एससी एसटी बहुल ये पूरा की पूरा जो इलाका है, और ऐसे में यहाँ पर एससी एसटी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन वो यहाँ पर बीजेपी से जुड़े हुए वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, किरोड़ी लाल मीणा खुद यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, और उन सबके बीच में पूरे भरतपुर संभाग के तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी बीजेपी को, हर जाति वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ होगी। और ना इन सब के साथ में बड़ी बात यह कि जो भरतपुर संभाग की जो बीजेपी की बैठक उनका सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, तो कह सकते हैं कि पूरा भरतपुर संभाग आज सवाई माधोपुर में है, बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो सवाई माधोपुर में है, और यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो लेंगे इन सबकी क्लास। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आगामी 2023 के लिहाज से ये दिन अहम और बीजेपी के लिहाज से बड़ा दिन, और कह सकते हैं कि पूरी तरह से बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर स्वागत वेलकम करती हुई नजर आ रही है। हिमांशु, रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जेपी नड्डा, सतीश पूनिया भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, तमाम नेता भी उनके साथ मौजूद है। आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, इसके बाद कहाँ जाएंगे जेपी नड्डा और कितने दिन का दौरा है? देखिए रेलवे स्टेशन से पर फिलहाल स्वागत का सिलसिला चल रहा है, रेलवे स्टेशन का ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही बीजेपी के जो अलग अलग नेता हैं यहाँ के, उनकी तरफ से जो कार्यक्रम है वो रखा गया है स्वागत का। पूर्व विधायक है मानसिंह गुर्जर, उनके तरफ से रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर एक बड़ा स्वागत समारोह रखा गया है, जहां पर कुछ देर जेपी नड्डा रुकेंगे, और इस तरह से बताया जा रहा है कि करीब 5 किलोमीटर के दायरे में 7 से 8 जगह पर जो भव्य स्वागत, बड़े स्वागत यहां पर होने जा रहे हैं, होने वाले हैं, उनमें उसके बाद में जेपी नड्डा पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल, मुख्य कार्यक्रम जहां पर है रिसोर्ट के अंदर, टाइगर रिसोर्ट में। टाइगर रिसोर्ट पहुंचने के बाद में आपको बता दें कि सबसे पहले वो जो एससीएससी सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, और इन सब के बाद में फिर भरतपुर संभाग की बैठक लेंगे। तो कह सकते हैं कि करीब 3 से 4 घंटे तक ये सब कुछ चलने वाला है। इन सबके साथ में संभाग के जो सभी जिले हैं भरतपुर संभाग के, उनके जो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम दिग्गज हैं, उनके बीच में यहाँ पर जेपी नड्डा जो है वो रहने वाले हैं। तमाम प्रदेश के जो दिग्गज हैं बीजेपी के वो यहाँ पर हैं, खुद सतीश पूनिया यहाँ पर हैं, सांसद हैं यहाँ से सुखबीर सिंह जौनपुरिया वो यहाँ पर हैं, इस इलाके से जुड़े हुए तमाम जो एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं वो यहाँ पर हैं, बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो मौजूद है। तो फिलहाल यहाँ पर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अलग अलग तरह से वेलकम किया जा रहा है, और कह सकते हैं कि ये भव्य तस्वीरें सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से। हिमांशु, ऐसी भी कुछ जानकारी कि पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके साथ भी अलग से बैठक करने का कोई प्लान है जेपी नड्डा का, ताकि उनको जीत का मंत्र दिया जा सके? क्योंकि अभी तो फिलहाल जानकारी है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, फिर एससी एसटी सम्मेलन करेंगे, वहां पर उनको संबोधित किया जाएगा। क्या पार्टी के नेताओं को भी अलग से बैठक रखी गई है हिमांशु, ऐसी कोई जानकारी अंदर खाने से? देखिए आपको बता दें कि रिसोर्ट के अंदर निश्चित तौर पर जो बैठक है वो होने वाली है, संभाग स्तर के जो सम्मेलन है, संभाग स्तर की बैठक है, उसके बाद में जो यहाँ के प्रमुख बीजेपी के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, इनके साथ में पूर्वी राजस्थान को लेकर के
और कह सकते हैं कि आगामी जिस तरह से यहाँ से शुरुआत हो रही है तो आगामी क्या कुछ दौरे रहते हैं, इन सब चीजों को लेकर के जो चर्चा है वो हो सकती है। तमाम राजस्थान में मौजूदा हालातों को लेकर के चर्चा हो सकती है, आगे की रणनीति बीजेपी की जो रहने वाली है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। तो क्योंकि दौरा भी बड़ा है, 3 से 4 घंटे यहाँ पर नड्डा रुकने वाले हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कई तरह से जो बैठकों का सिलसिला है वो चलेगा। न केवल SC ST सम्मेलन को संबोधित करेंगे बल्कि इसके बाद में जो संभाग स्तर के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और फिलहाल आप देखिए कि जेपी नड्डा यहाँ पर गाड़ी में बैठ गए हैं और अब से यहाँ से रेलवे स्टेशन से बाहर उनका जो स्वागत है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने हिमांशु। और देखिए हिमांशु, एक तरफ हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा है, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसुनवाई वहां पर कार्यक्रम रखा जा रहा है, वो भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बाड़मेर का भी उनका दौरा रहने वाला। दूसरी तरफ सवाई माधोपुर यहां पर पहुंच चुके जेपी नड्डा, साफ तौर पर दोनों पार्टियों की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश कि हम पीछे नहीं है। बिल्कुल देखिए आपने ठीक कहा कि किसी भी तरह से किसी के तरफ से ये मैसेज, मतलब हर किसी का ये मैसेज है कि हम पीछे नहीं है। और फिलहाल देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर जो वेलकम है, वेलकम के बाद में आपको देखने को तस्वीर मिलेगी, अलग अलग तरह से साफा पहनाया गया यहाँ पर, साफा पहना के बाद में उन्हें यहाँ पर अलग अलग तरह के जो फूल मालाओं के साथ में उनका वेलकम किया गया। पूरा की पूरा काफिला है और अब ये रवाना हो रहा है। अब तस्वीरें आपको सवाई माधोपुर के अलग अलग हिस्सों में ये 5 किलोमीटर के दायरे में वेलकम की देखने को मिलेंगी और भव्य स्वागत के बाद में ये जो पूरा की पूरा जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। और जैसा कि हम जानकारी दे रहे हैं कि जो मुख्य कार्यक्रम है जो रणथंबोर रोड पर टाइगर रिसोर्ट के अंदर होने वाला है, वहां पर नड्डा पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के साथ में ही आपको बता दें कि जो SC ST सम्मेलन भरतपुर संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक वो जेपी नड्डा लेंगे। हिमांशु बताइए, जेपी नड्डा के साथ हम देख पा रहे तस्वीरों में सतीश पूनिया मौजूद हैं और कौन कौन नेता यहाँ पर पहुंचे? देखिए जिस कार में जेपी नड्डा हैं उसमें यहाँ पर अरुण सिंह जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं वो साथ में मौजूद हैं, सतीश पूनिया इस गाड़ी में मौजूद है और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया वो भी इसी गाड़ी में मौजूद है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जेपी नड्डा के साथ में, जैसा कि हम जिक्र कर भी रहे थे और लगातार बता रहे थे कि सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और यहाँ पर सतीश पूनिया और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, तो ये तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं और फिलहाल एक गाड़ी में और ये काफिला यहाँ पर बढ़ता हुआ और आगे जो अलग अलग स्वागत की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल अब नजर आ रही है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही। हिमांशु, दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है स्वागत के लिए, क्या ये माना जाए कि आगे जो कार्यक्रम किया जाएगा उसमें वसुंधरा राजे को हम देख पाएंगे आने वाली तस्वीरों में? क्योंकि नड्डा यहाँ पर पहुंचे और नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ पर पहुंचना, सतीश पूनिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं जैसे कि आप बता रहे, अरुण सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी, क्या इसके क्या मायने निकाले जाए? और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, माला पहनाकर साफा पहनाकर यहाँ पर नड्डा का स्वागत करते हुए सतीश पूनिया। हिमांशु आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी मणि। हाँ हिमांशु, वसुंधरा राजे का दरअसल जिक्र कर रही थी यहाँ पर कि पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं लेकिन राजे नहीं दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये यहाँ पर तमाम जो दिग्गज हैं वो जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन वसुंधरा राजे यहाँ नजर नहीं आ रहे। हालांकि इस पर सवाल किया जाएगा, क्या जवाब आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर आप एक तस्वीर देखिए कि रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही कितनी तादाद में
जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और इन सबके साथ में ये तस्वीर खास है। देखिए ये तस्वीर खास है जहाँ पर बीजेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा का जो स्वागत है वो यहाँ पर महिलाएं जो है वो कर रही है। स्थानीय जो वेशभूषा है, स्थानीय परिवेश है, उसकी महिलाएं और बड़ी संख्या में फूल फेंक करके फूलों के साथ में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका स्वागत यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्वागत है वो करते हुए नजर आ रही है। तो इस वक्त स्वागत में उमड़ पड़ा है पूरा की पूरा जो कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर की पूरी बीजेपी, भरतपुर संभाग की पूरी बीजेपी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर जो भव्य स्वागत है वो हो रहा है। और फिलहाल हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका शुक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए बहुत भव्य है, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर जुटी है, संभाग के जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हैं, और उतना ही भव्य जो वेलकम है अध्यक्ष का यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें सीधा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से, ये पहला स्वागत है जो यहाँ पर किया गया है। जेपी नड्डा के ठीक पीछे आप देख सकते हैं सतीश पूनिया भी नजर आ रहे हैं, वो भी गाड़ी से बाहर आए हैं, और यहाँ पर फिलहाल वो भी तमाम जो समर्थक हैं उनका यहाँ पर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर। देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं नड्डा को देखने के लिए, और देखिए मोबाइल कैमरे में नड्डा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नड्डा की तस्वीरें यहाँ पर कैप्चर करते हुए रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जनसैलाब बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर उमड़ा है नड्डा को देखने के लिए। सवाई माधोपुर का उनका दौरा है, और कई सम्मेलन भी यहाँ पर रखे गए हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन है, SC ST सम्मेलन है, और ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जैसे कि मेरे सहयोगी मानसू बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है आगामी साल में। हिमांशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट इस खबर पर देने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया के तमाम